नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहांशी। बुलेटिन की शुरुआत करनाल अनाज मंडी में धान की आवक ने तेजी पकड़ ली है। 1509 वैरायटी के साथ पीआर धान भी मंडी पहुंच रही है। फसल लेकर आने वाले किसानों को मंडी के एंट्री गेट पर फसल का गेट पास जारी किया जाता है। इसके बाद किसान फसल लेकर संबंधित आड़ती के पास पहुंचते हैं, जहां पर फसल की साफ सफाई के बाद खरीदार रेट तय करता है। एमएसपी में शामिल फसल सरकारी तय भाव पर बिकती है। वही मौजूदा सीजन में मार्केट कमेटी द्वारा मंडी में सभी प्रबंधों के दावे किए गए हैं, लेकिन सितंबर में जारी बरसात का सीधा असर धान की फसल पर पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि बरसात के कारण धान में बीमारी आने की आशंका बढ़ गई है और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं बीमारी के। हमारे संवाददाता ने करनाल अनाज मंडी का जायजा लिया, देखिए ये रिपोर्ट। मंडी में एंट्री और गेट पास के बाद फसल किसान यहाँ लेकर आता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से फसल की साफ सफाई की जाती है। उसके बाद यहाँ बैग में भरा जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ करीब सीजन में 4000 से ज़्यादा लेबर जो है काम करती है, जिनका अलग अलग कार्य होता है, चाहे वो साफ सफाई का हो, चाहे वो तुलाई का कार्य हो या ढुलाई का कार्य हो, इस तरह का कार्य यहाँ चलता है। इसके बाद साफ सफाई के बाद जो आड़ती हैं, जो खरीदार हैं, वो यहाँ फसल के पास पहुँचते हैं और उसका भाव लगाते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ किसान हैं जो अपनी फसल लेकर आए थे, उनसे जानेंगे कि कितनी जो प्रक्रिया चली है उससे कितने संतुष्ट हैं और उनकी फसल का क्या कुछ भाव मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आबिद देवी। कहाँ से आए? यूपी से आए। कौन सी वैरायटी लेके आए आप? 1509 वैरायटी लेके आए। तो यहाँ तक आने में कोई समस्या, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ फसल लेके आए हैं तो बेचने में कोई समस्या नहीं हुई? अच्छा, किस तरह रहता है, किस तरह बिकती है फसल यहाँ पर? यहाँ लागत डाल दें 800 रुपये से। 800 रेट तय करके? ओके। क्या भी क्या भाव मिला? इसका 600 रुपये मिला। जी यार, 1509। संतुष्ट हैं भाव से? संतुष्ट है, क्या मंडे का जो भाव चलेगा उसका। पिछली बार क्या क्या रेट था इसका? कल परसों में 2900-3000 रुपये के रेट थे। ठीक है, आज थोड़ा कम हुआ है। हर रोज का अलग अलग रेट रहता। तो कुछ क्वालिटी भी मायने रखती है? क्वालिटी मायने रखती है। ये डेरी 2600 रुपये की है, 2600-2700 रुपये मांग रहे हैं। इधर तो इस तरह का जो 2800-2800 रुपये तो बिल्कुल। देखिए, जैसी फसल की क्वालिटी होती है उसी के अनुसार व्यापारी जो है फसल का दाम लगाते हैं, वो तय किए जाते हैं। किसान कितना संतुष्ट है उसके भी, उसके लिए भी जरूरी है। हमारे साथ एक और फार्मर है जो यूपी से आए हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद है जी। तो कहाँ से आए थे आप? यूपी से आए। तो क्या रहा, आपकी फसल बिकी है? हमारी फसल जो है हमें संतुष्ट नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत नहीं मिल रहा। क्या क्या रेट लगा था आपका? हमारी 2600-2700 रुपये लग रहा है। 2600-2600। आप क्या सोच के आए? हम उसको कम से कम 2500 रुपये माने हुए डेली। 2500 तक का भाव है यहाँ पर। हमारे उसमें बता रहे थे कोई कोई काला दाना पता तो मैं 200 रुपये तो मिल जाएगा, उससे ज़्यादा तो नुकसान है ना हमको भी। तो फिर आप संतोष नहीं हो पाए तो क्या निर्णय लिया आपने? नहीं पाए और निर्णय लिया जो कुछ मालिक आप अपने अपने नसीब में होकर कभी हट के भर लेंगे। तो भाई, मार्केट कमेटी सचिव से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, क्या कुछ कहा उन्होंने हम आपको सुनाते हैं। अनाज मंडी में धान का सीजन शुरू हो चुका है। क्या सुझाए जा रहे हैं कि 1 अक्टूबर से सरकारी धान की खरीद शुरू हो जाएगी, ऐसे में क्या व्यवस्था है, क्या प्रबंध किए गए हैं, जानने के लिए हमारे साथ मार्केट कमेटी सचिव चंद्र प्रकाश मुंजल, उनसे जानेंगे। जी सर, कैसे क्या प्रबंध किए गए हैं सीजन के? मार्केट कमेटी द्वारा खरीफ सीजन को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे प्रबंध किए जाने हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा। जो हमारे मंडी गेट है राउंड का क्लॉक, हमने उस पर हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर और जो मार्केट कमेटी के कर्मचारी हैं उनको नियुक्त कर दिया गया है। किसानों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मार्केट कमेटी द्वारा गेटों पर इंटरनेट की सुविधा है, हमारी जो लाइटिंग की बैकअप वगैरह है वो सारा हमने पूरा अरेंजमेंट कर लिया गया है। और जो हमारा सफाई का ठेकेदार है उसको स्पेशल हिदायत दे दी गई है कि 25 तारीख से पहले सारी मंडी जहाँ पर भी कोई कमी बेसी है वो अपना कम्प्लीट कर ले, और जो हमारे शौचालय वगैरह हैं उनकी भी साफ सफाई वगैरह, बिजली की व्यवस्था सारी तरह हमने प्रबंध कर लिए। तो बड़ी मंडी है, किसान दूर दूर से भी आते हैं, ऐसे में किसानों के लिए कुछ है व्यवस्था यहाँ पर? वैसे तो हमारे यहाँ पर जो अनाज सेल है तो किसानों की व्यवस्था हमारे नियर बाय जो हमारे किसान है, मोस्टली जो हमारे किसान है 20 से 30 किलोमीटर के एरिए से आते हैं,
और सभी किसानों की फसल लगभग सेम डे जो है ना सेल हो जाती है और सभी किसान अपनी फसल बेचकर शाम के टाइम वो अपने घर चले जाते हैं। एक और दूसरा आता है कि जैसे PR का है, उसका रजिस्ट्रेशन की दिक्कत अक्सर आती है किसानों को पास में, उसको लेकर आपकी बात ना हो क्या होगा? अब की बार क्या है कि पिछली बार क्या था कि सरकार जो शेड्यूल बनाती थी किसान का फसल लाने के लिए वो सरकार द्वारा 80% बनाया जाता था, 20% फार्मर के ऊपर डिपेंड था। अब की बार सरकार ने एक फैसिलिटेट किया है किसान को कि किसान जब चाहे अपनी मर्जी से अपना शेड्यूल बना सकता है और मंडी में फसल ला सकता है। तो मेरा मानना है कि ये होने के बाद किसानों की समस्या पूरी तरह खत्म होगी। पूरे प्रबंध तो बिल्कुल जिस तरह मार्केट कमेटी सचिव ने बताया कि पूरे प्रबंध हैं, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो काम करने वाले, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। हालांकि एक बदलाव जो पिछले साल काफी दिक्कत भरा रहा था किसानों के लिए कि शेड्यूल जो है सरकार की तरफ से निर्धारित किया था उसमें बदलाव किया गया है। अब किसान अपनी मर्जी से अपने मन चाहे दिन अपनी फसल लेकर मंडी आ सकता है। करनाल से महेंद्र सिंह।